हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम गार्डन वर्क में सभी दोस्तों को नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम अनार के पौधे के बारे में बताएंगे कि अनार का पौधा गमले में आप कैसे लगाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग पाएँ। तो सबसे पहले आप दोस्तों, जब भी अनार का पौधा गमले में लगाएं दोस्तों, आप अच्छी वैरायटी का ही पौधा लगाएँ। और देखिए, जैसे मैंने ये अनार का पौधा लगाया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि जब भी अनार का पौधा गमले में लगाएं तो थोड़ा ग्रो बैग या गमले में लगाएं तो दोस्तों, आप थोड़ा बड़े साइज़ का ग्रो बैग लें, जैसे कि मैंने लिया है 18x18 का। और दोस्तों, सबसे पहले आप को जब भी पौधा अनार का लगाना है तो आप बीज के द्वारा पौधा बिल्कुल न लगाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा लगाए हैं। आप भी नर्सरी से जब भी पौधा लाएँ तो एयर लेयरिंग के द्वारा पौधा लाएँ या तो ग्राफ्टेड पौधा लगाएं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जल्दी से जल्दी आपको अनार मिलेगा खाने को। जैसे कि हमने देखो, ये एयर लेयरिंग से पौधा ये तैयार हमने खुद से किया था। और दोस्तों, ये पौधा हमारा 8 महीने का हो गया है और इसमें देखो पहली बार में ही 1 से 2 अनार आए हुए हैं और इसमें बहुत सारे फूल आए हैं और फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है कि जो भी फ्लावर आए हुए हैं वो फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएँ और वो फल भी ना गिरें। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है कि हमें इस गमले की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देना है। देखें इस तरीके से गुड़ाई कर दें दोस्तों। देखो मिट्टी कितनी अच्छी तरीके से ये भुरभुरी है। तो इसमें इस तरीके से मिट्टी बनाना है बिल्डिंग सॉइल, ताकि आप जब पानी डालें तो पानी आपका जो एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाए। तो हमने ये गुड़ाई कर दी है, तो गुड़ाई कर देंगे दोस्तों। तो जो हम खाद फर्टिलाइजर डालेंगे वो फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हम फर्टिलाइज़र देखें कौन सा फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं, पहले ये आप जान लें। हमने लिया है देखें 1/2 kg जो काउडंग होता है, यानी गोबर की खाद होती है, मैंने वो लिया है। और दोस्तों, अच्छी फ्रूटिंग हो, फल ना गिरे, इसके लिए आपको सीविट डालना है। इतने बड़े ग्रो बैग में आपको कम से कम 2 चम्मच डालना है सीविट, इस तरीके से, इस तरह का सीविट डालना है। और पौधा जब मेच्योर हो तभी डालें, अब फ्लावरिंग हो रहे तब डालें। और उसमें दोस्तों हम डालेंगे ये सरसों की खली डालेंगे। और एक बात का ध्यान देना है कि गर्मी अगर होने लगे, अगर गर्मियां पड़ रही हैं तो दोस्तों इसमें सरसों की खली बिल्कुल ना डालें। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ऐसे आप हटा दें इस तरीके से, ऐसे खाद को हमको नीचे ही दबा रखना है। ऐसे कर देंगे तो जो जड़ें हैं उन जड़ों में अच्छे से खाद हम मिल दे, इस तरीके से आप बिखेर दें। और उसके बाद एक लेयर आप मिट्टी कैसे डाल दें, इस तरीके से आपको चारों तरफ से करना है। ऐसे देखें, ये जड़ें खुली हुई हैं, तो ये जड़ों में जब जल्दी जाएगा तो ये पौधा जल्दी से जल्दी खाद पा जाएगा। अब इस तरीके से हमने दे दिया, अब इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम अच्छे से पानी दे देंगे इस पौधे को। पानी डल गया दोस्तों, अब इसको हमें अनार के पौधे को पूरे दिन की सनलाइट देना है। खाद और पानी देने के बाद अनार के पौधे में एक बात और ध्यान दें कि वो ज़रूरी काम है, जब भी आपका फ्लावर बन रहे हैं, जैसे कि ये फ्लावर हैं तो फूल फल बन रहे हैं और ये फ्लावर आए हुए हैं, ये फल में कन्वर्ट हो जाएं, उसके लिए आपको सबसे आवश्यक काम करना क्या है कि ये जो पौधे में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, जो इसको आपको यहाँ से कट कर देना है। इसे इसका कट करने का मतलब दोस्तों ये है कि जो एनर्जी इस पौधे में ये नई नई ग्रोथ बढ़ाने बना रहा है पौधा, ये आपका फल बनने में मदद करेगा, यानी इसकी एनर्जी इस फल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपका जो फल गिरने की समस्या है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है पौधे में जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो उसको आप कट कर दें, ताकि जो है फल में कन्वर्ट हो जाएं जो भी फूल बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कट कर देने हैं, ऐसे देखें इस तरीके से आपको कट करना है। और दोस्तों, एक बात का बिल्कुल ध्यान देना है
कि जो इसके फ्लावर बनते हैं वो जो है पुरानी ही टहनी में बनते हैं, नई ग्रोथ में बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो हमने ये कट कर दिया है। अब दोस्तों मैं इसको बता दे रहा हूँ कि इसकी आप कलम कब लगा सकते हैं, इसकी आप कटिंग भी आराम से इसकी लग जाती है। तो सबसे इसकी कटिंग लगाना दोस्तों आप रेनी सीजन में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इतनी मोटी आप पेंसिल की बराबर की इतनी कटिंग लें 5 से 6 इंची, और इसे रेनी सीजन में आप इसको नॉर्मल मिट्टी में लगा दें, आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। और ग्राफ्टिंग करना है तो दोस्तों तो रेनी सीजन में ही ग्राफ्टिंग करें। तो इस तरीके से इसकी केयर करना है दोस्तों, और जिसमें ज़्यादातर रोग नहीं आते हैं। ये देखें ये क्या है, जैसे हल्का हल्का रोग होता था, तो ये थोड़ा से मड़ोर रोग होता है, ये आप क्या करें छाछ होता है या इससे आप इसको भगा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी केयर यही है। और दोस्तों जब भी फूल बने हैं ना पौधे में, गमले में फल लग रहे हैं, तो इसे क्या करें आप इसमें नमी बना के रखें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।